तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिले। जो विलायत मिलती है वो मेरे गौस गौसुल आजम की चौखट से मिला करती है। बड़े बड़े और यह कोई हो, अरे खुद हमारे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान दिया किसने? गरीब नवाज ने कहा था हुजूर इराक मुझे दे दे। गरीब नवाज गौसपान से कहते हुजूर इराक मुझे दे दे। फरमाया मैं तो वो बहाउद्दीन को दे चुका हूं, मैं वो इराक शेख शहाबुद्दीन उमर सारवर्दी को दे चुका हूं। अर्ज करने लगे हुजूर फिर मेरे लिए क्या? फरमाया मैं तुझे हिंदुस्तान की हुकूमत अता करूं, मैं तुझे हिंदुस्तान की हुकूमत अता करता हूं। आप गौर फरमाए मुसलमानों, आप अंदाजा करें कि ये हिंदुस्तान का जो बादशाह भिखारी साहब पढ़ रहे थे कलाम, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो उसने गरीब नवाज की चौखट पे हाजिरी देकर के कहा कि मैंने पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर एक कब्र को हुकूमत करते देखा है, हिंदुस्तान पर हुकूमत कब्र कर रही है। कौन कह रहा है? अंग्रेज कह रहा है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज को जाहिरी आंखें मिली, वो देखकर पहचान गया। मौलवी को कब समझ आएगी? मौलवी को समझ कब आएगी? वो कहता है एक कब्र को मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान पे हुकूमत करते देख रहा हूं, और वो कब्र गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें, आप गौर करें गौसुल आजम दस्तगीर की शान क्या है। इनसे और अल्लाह वालों से अपनी निस्बतों